वैंकूवर आके ही पता चलता है कि हम कनाडा आ चुके हैं। गली जो स्ट्रीट है ना भाई, स्ट्रीट ही बहुत कलरफुल। तुम्हारा भाई ये ओन करने वाला है, उसमें एक हेलीकॉप्टर भी होगा। ऐसे वाले पेड़ देख के ना यार कनाडा वाली वाइब आती है भाई। जो क्रूज शिप खड़ी है ना यहाँ पे, ये टाइटैनिक से बड़ी है भाई। दुबई वाले सपने यहाँ पूरे होंगे। सो हेलो क्रिस्बल, होप यू गाइस आर फाइन। आज तो सीन होने वाला है बहुत ज्यादा तगड़ा, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं वैंकूवर। और फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माय 100 डेज इन कनाडा। तो इन 100 डेज में मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, और मेरे को पता है कि आपको कौन कौन सी जगह बहुत अच्छी लगने वाली है, तो मैं आपको उन्हीं जगह घुमाऊंगा। यहाँ पे मेरे को रेगुलर व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होने वाला है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अब मिनी व्लॉग्स लेके आऊँ आपके लिए, और डेली 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 आपके लिए एक नया बॉम्ब छोड़ के जाऊँ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों में। ऐसे में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जगह घुमा पाऊंगा और बहुत सारी चीजें कनाडा के बारे में बता पाऊंगा आप लोगों को, तो आपको भी रहेगा एंड साथ साथ मेरे को भी थोड़ा बहुत ग्रोथ मिलेगी। ये गाइस उठा चुका हूँ कैमरा, तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो गाइस सर्दियां हो चुकी हैं स्टार्ट, मतलब हल्की हल्की सर्दियां हो चुकी हैं स्टार्ट, और शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो अभी मैं एक जैकेट लेके जाऊंगा अपने साथ ताकि सर्दी से भी बच जाऊं और थोड़ा स्मार्ट भी दिख जाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कनाडा में, आप लोग सब कुछ भूल जाना, बट ये तीन चीजें मत भूलना, एक कंपास कार्ड और एक वॉलेट अपना और एयरपॉड्स, क्योंकि इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। आयुष का स्टॉप वहाँ पे, उसने दीदी के घर जाना है उस रस्ते, और मैंने जाना है इस रस्ते सरी सेंट्रल। मेरे को दबाना पड़ेगा बटन। हो गया भाई सिग्नल चेंज। 7 6 5 4 3 एंड आई एम हियर। आ चुका हूँ मैं स्टॉप पे, और यहाँ पे करना है मुझे बस का वेट। पता क्या, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हरियाली है, एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो रोड कितनी ऑर्गेनाइज रहती है। तो चलो चलते अभी सरी सेंट्रल, सरी सेंट्रल के बाद चलते हैं वैंकूवर स्काई ट्रेन से। पहले बस का वेट करना है यहाँ पे। यार पहुंच चुका हूं मैं सरी सेंट्रल, मेरे पास है कंपास कार्ड। अब एक कंपास कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, तो अगर बस है ना, बस से लेकर ट्रेन तक 10 राउंड काटो, 100 राउंड काटो दिन भर के, आगे आसी वाला कार्ड है ना। बल्ले बल्ले तो यार आ चुका हूं मैं स्काई ट्रेन स्टेशन के अंदर, एंड अभी ट्रेन लेंगे यहाँ से, निकलेंगे वैंकूवर को। नाउ व्हाट वी ऑल हैव टू डू इज टू वेट फॉर आवर ट्रेन। यार मैं पहुंच चुका हूँ वाटर फ्रंट स्टेशन। ये स्टेशन तो भाई बहुत बड़ा स्टेशन है यार, ये वाला बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेशन है यार। अभी चलेंगे फिलहाल के लिए यहाँ से बाहर। ये है वैंकूवर की स्ट्रीट्स, चेक करें आप लोग। यहाँ से 3 मिनट के वॉक में है गैस टाउन स्टीम क्लॉक, तो अभी पहले वहाँ चलते हैं। सबसे ज्यादा पास वाली डेस्टिनेशन है एंड अच्छी भी है। इसके बाद कनाडा प्लेस भी जाएंगे, वो भी एक बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। यार आई एम ऑन वे गैस टाउन स्टीम क्लॉक, जा रहे हैं हम लोग। ये एक बहुत अच्छी जगह है यार, यहाँ पे ना मतलब आके ना पूरा चेंज ही हो जाती है, सीनरी चेंज हो जाती है पूरी, पता ही नहीं चलता कि हम लोग अभी उसी कनाडा में रह रहे हैं जिसमें हमारा घर है। एक तरफ सरी और एक तरफ ये पूरा वैंकूवर का सीन ही चेंज है यार। मतलब यहाँ अलग अलग पार्ट में जाते हैं तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग सीन मिलता है हमें। वैंकूवर में ना यार अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, तो हर एक स्ट्रीट में ना अलग अलग टाइप के ना लोग रहते हैं, तो इस वजह से सारी जगह पे ना अलग अलग टाइप की सीनरीज रहती हैं, अलग अलग टाइप की आपको लोकेशन दिखेंगी यहाँ पे, हर एक स्ट्रीट अलग अलग है। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है वैंकूवर घूमने में, एंड इसके बाद हम जाएंगे कनाडा प्लेस। सो हियर इज द ब्यूटी, एंड जो क्लॉक है ये 1977 में बिल्ट हुई थी। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत पुरानी क्लॉक है, इतने टाइम से चल रही है, स्टीम से चलती है। देखो वाओ। इसका अंदर पेज पुर्जे, और भाई पूरा स्टीम से चलता है, नो बैटरीज नथिंग। कोई और तो है नहीं मेरी सेल्फी लेने के लिए, तो मैं सीधा अपनी सेल्फी सीधी ले लेता हूँ। मेरे को तो खुद नहीं पता था अभी तक कनाडा में ऐसी जगह भी कोई है, मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ आज यहाँ पे। और जगह जैसे कनाडा प्लेस थी, कनाडा प्लेस में 2-3 बार जा चुका हूँ, तो यार अभी निकलते कनाडा प्लेस। और स्ट्रीट व्यू यहाँ का है, क्या ही स्ट्रीट है ना। फाइनल लुक, वैंकूवर आके ही पता चलता है कि हम कनाडा आ चुके हैं, तो चेक करते हैं फिर। ये देखो सामने पे मैं दिख रहा हूँ, यहाँ पे ना वॉक का पता ही नहीं चलता है, मैं 13 मिनट की वॉक कर रहा हूँ, मेरे को भी पता ही नहीं चला है, और मैं पहुँचने भी वाला हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना, बंदा ना कम से कम 1 घंटे भी पैदल चलेगा ना, तो ये बंदे को पता नहीं चलेगा कि बंदा पैदल चल रहा है। ये है अंग्रेज भैया ब्रो, सही है।
I need to cross from here first. Welcome to Canada Place at the port of Vancouver. अभी बंदा स्केटबोर्ड चला रहा था, अभी नीचे गिरा इससे. थोड़ा सा लेट हो गया मैं शूट करने में. So finally I am here at Canada Place. ये जो क्रूज शिप खड़ी है ना यहाँ पे, ये टाइटैनिक से बड़ी है भाई. आजकल की जो क्रूज शिप होती हैं, वो टाइटैनिक से बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं. और यहाँ पे चल रहा है पेंटिंग का काम. देखो कितने छोटे लग रहे हैं इंसान इसके सामने. और ये देखो शिप देखो, हाँ दिखेगा भी नहीं भाई, बहुत पीछे तक है. और बाकी जो ये फ्लोट प्लेन्स होते थे ना GTA में, वो यहाँ वैंकूवर में, यहाँ पे तो ये क्रूज शिप रहती है, इसके पीछे से ही वो फ्लाई करते हैं. वैंकूवर के बारे में बेस्ट चीज पता क्या है? यहाँ पे नहीं, ऊपर जाके बताता हूँ. वैंकूवर के बारे में बेस्ट चीज पता क्या है? वहाँ पे माउंटेन, यहाँ पे पानी और शीशे के मकान. शीशे के मकान वादियाँ और पानी. The reason behind I chose Vancouver as my study destination is the same. Wow. तो देखो विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट लोग देखो, लोग शिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड शिप वहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, वहाँ आगे. तो भाई शिप कितनी बड़ी शिप है. अलग अलग कल्चर से देखो लोग आते हैं यहाँ पे. नाइजीरियंस हैं यहाँ पे इंडियंस हैं, यहाँ पे चाइनीज हैं. सामने पे कॉफ़ी पी रहा है बंदा. तो बहुत अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चहल पहल लगती है. पूरे बंदे यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, हर कोई मतलब अपना वो फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं. चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे. इस तरफ से और जाएंगे उस तरफ से. तो सबसे पहले चलते हैं कॉफी उठाते कहीं से, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज्यादा कॉफी वाली प्यास लग रही है. यहाँ पे ना स्टारबक्स के आउटलेट्स बहुत कम होते हैं और टिम हॉर्टन्स के बहुत ज्यादा होते हैं. अगर मैं यहीं आसपास चेक करूंगा ना, तो कम से कम 10 टिम हॉर्टन्स के आउटलेट्स आ जाएंगे और स्टारबक्स का मुश्किल से एक आएगा, वो भी यहीं आसपास कहीं. शाम हो चुकी है और हो चुकी है थोड़ा बहुत ठंड स्टार्ट. शाम को और सुबह यहाँ ठंड होने लगी है. तो शाम को, अभी दिन में तो मैं ऐसे आया था, शाम को अभी मैं जैकेट पहनूंगा. ठीक है, जैकेट पहनने के बाद आई एम गुड टू गो. यहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी, तो आपके साथ शेयर करूंगा. ऐसे वाले पेड़ देख के ना यार, कनाडा वाली वाइब आती है. वाइब देखो, ऐसे वाले स्टैचू. तो मेरे को जाना है टीम, पहले रोड करनी पड़ेगी क्रॉस. ठीक है, अब यहाँ पे पता क्या सीन रहता है, इंडिया में गाड़ियाँ रुकने का वेट करते हैं, गाड़ियाँ खुद रुकती है हमारे लिए. तो ये देख के ना बंदे शॉक हो जाते हैं काफी. तो पहुंच चुके हैं टिम हॉर्टन्स. तो टिम से एक कॉफी उठा लूंगा, फिर उसके बाद निकल जाएंगे, थोड़ा और भटकेंगे. कॉफी पी के हो चुका है पूरा मूड फ्रेश. एंड ये जो शिप है, ये भी यहाँ से मूव करने वाली है. यार शिप भी जा चुकी है और हेलीकॉप्टर भी. यहाँ से ना फेरीज जाती हैं नॉर्थ वैंकूवर. चलो फिर चले लेते हैं. अभी वैसे भी वैंकूवर मैंने रात को आऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत सारी लाइट्स होंगी, बहुत कुछ होगा. तो रात को आता हूँ फिर वैंकूवर. अभी चलते हैं नॉर्थ वैंकूवर. ठीक है फिर, चलो फाइनल प्लान. तो अभी हम यहाँ पे, यहाँ से हमने यहाँ जाना है, यहाँ पे मिलेगी अभी सी बस. तो यहाँ से जाके मेरे को लेफ्ट मुड़ना है. दुबई वाले सपने यहाँ पूरे होंगे. पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ फेरी में. अगेन द वाटर फ्रंट स्टेशन. मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे वापस आऊँगा, तो वापस आते समय रात ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ही रात ना हो जाए, मतलब 11-12 ना बज जाए, टाइम ना लगे. बस मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वापस आऊँ, इतना करूँगा. बस मेरे को सीवस दिखानी है. दैट्स इट. यार मैं अभी आया हूँ लॉन्सडेल एंड यहाँ सीन है कि यहाँ पे ना कपल्स आके ताला लगा देते हैं, और इनका ये मानना होता है कि जो यहाँ पे ताला लगा देता है ना, तो फिर उनका बंधन कभी नहीं टूटता, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे. इतने में तो अच्छे लग रहे हैं कलरफुल ताले. तुम्हारा भाई ये ओन करने वाला है और उसमें एक हेलीकॉप्टर भी होगा एसी. तो यहाँ के लिए इतना ही, चलते हैं मेन वैंकूवर. यहाँ का व्यू चेक करेगा फाइनल बार. यहाँ से मैं चलता हूँ फिर. तो यार वैंकूवर में असली मजा आता है रात में, जब सारी लाइट जल जाती है ना, तो वैंकूवर अलग ही लगता है यार. पूरा फील ही अंधेरे में आता है, अंधेरे में. यार थोड़ी देर घूमते हैं फिर वैंकूवर. वहाँ पे चेक करो स्ट्रीट व्यू राइट देयर. अभी सीन है कि थोड़ी देर अभी हल्का फुल्का घूमेंगे और आप लोगों को घुमाएंगे, उसके बाद निकलते हैं फिर घर को. 11 या 11:30 बजे तक मुझे घर पहुँचना होता है, क्योंकि कल मेरी यूनिवर्सिटी है. मुझे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होना होता है सुबह उठ के. और सुबह उठ के जैसे तैयार होना है, तो भाई सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा मुझे, और सुबह नींद भी तब खुलेगी जब मैं रात को जल्दी सोऊंगा. तो डैट्स व्हाई. यार देखो, जैसे यहाँ पे डॉलर रामा होता है, इसमें
$5 के नीचे सब कुछ मिलता है। हम सामान खरीदते हैं डॉलर ट्री और गरीबों की दुकान से, उसमें क्या होता है उसमें $2 के ऊपर का कुछ नहीं होता, तो डॉलर ट्री में आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। बाकी एक बार फिर से मैं उसी स्ट्रीट पे हूँ जहाँ पे वो स्टीम वाली क्लॉक थी। क्लॉक कैसे लगती है रात के टाइम। बाकी वाली स्ट्रीट देखो यार, चेक करो वाली जो स्ट्रीट है ना भाई, ट्रीट ही बहुत कलरफुल है। यहाँ आने के लिए तो मैं कब से तरस रहा था, जब मैं इंडिया में था ना तभी मैंने ये वाली स्ट्रीट देख रखी थी। मेरे को ये वाली क्लॉक तक याद थी कैसे दिखती है यार, चेक ही करो ना, लग नहीं रहा थोड़ा इंडिया वाला फील नहीं आ रहा। इंडिया वाला तो खैर कहा ही आ रहा है फील, मैं भी क्या बोलता रहता हूँ। रात के टाइम पे ना पागल हो जाते हैं लोग भाई। व्यू चेक करो यार, अब लग रही है वाली क्लॉक बहुत तगड़ी। कुछ काम नहीं है भाई लोगों पे, कुछ काम नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे खड़े होके विल लेना फोटो खींच रहे हैं, बस क्लॉक की फोटो खींच रहे हैं। यार क्या ही है इस क्लॉक में, लप्पू सी क्लॉक है, क्या ही है इस क्लॉक में, झिंगुर सी क्लॉक है। अभी लाइट्स ऑन होगी सारी स्ट्रीट की, ये देखो भाई क्या ही प्यारी प्यारी लग रही है ना। क्ले वेट कर रहे थे सारे के सारे। दिखा रही है थोड़े कुछ मिनट पीछे है ये भाई। हो गया कार्यक्रम समाप्त, अभी निकलते हैं फिर घर के लिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हाँ मैं बताना भूल गया था कि मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा मिनी व्लॉग्स आएंगे मेरे चैनल में, क्योंकि इतने बड़े बड़े व्लॉग्स बनाना और एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि साथ में मेरे को काम भी करना है, स्टडी भी करनी है, सब कुछ करना है, मैनेज नहीं कर पाता मैं। तो मैं सोच रहा था थोड़े छोटे मिनी व्लॉग्स आ जाएंगे और महीने में कभी या हफ्ते में कभी एक बार बड़े वाले व्लॉग भी डाल दिया करूंगा। बाकी यार ये वाला व्यू चेक करो लास्ट टाइम, एंड इस बार मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई वैंकूवर का नाइट व्यू तो अलग ही है।